إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ अदनान वाटर टैंक लाए हैं, खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। तेलंगाना हुकूमत ने कोविड 19 वैक्सीन की पहली खुराक की सप्लाई बंद कर दी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में 1000 से 3000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। लोग वैक्सीन के लिए जीएचएमसी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स के चक्कर काट रहे हैं और वैक्सीन मौजूद ना होने पर बहस और तकरार का माहौल बन गया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज हैदराबाद भोंगिर जिले के वसलामर्री गांव का दौरा किया और पैदल चलते हुए सीएम केसीआर ने दलित वाड़े के लोगों से मुलाकात की और उनके साथ बात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी ली। मुकामी लोगों ने सीएम केसीआर से मकानात का मुतालिबा किया, जिस पर केसीआर ने घर बना के देने का भी वादा किया। टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट के तारक रामाराव ने पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में पार्टी की जानिब से ऐसे पार्टी वर्कर में इंश्योरेंस चेक तकसीम किए जिनके अफराद खानदान की हादसे में मौत वाक़े हो गई थी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान दराए कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले पर पैदाशुदा तनाजे के सिलसिले में एपी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा अर्जी एक और बेंच को मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस एनवी रमना की जेर क़यादत बेंच ने अहकाम जारी किए हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश पर कृष्णा नदी का पानी हासिल करने दादागिरी करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के साथ मरकजी हुकूमत और आंध्र हुकूमत आदम तवज्जुन का रवैया इख्तियार कर रही है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों जुड़वा बच्चे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सीएम केसीआर अपने करप्शन से नजात हासिल करने के लिए पीएम मोदी के भजन गा रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने काकतीय यूनिवर्सिटी और तेलुगु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को नोटिस जारी की है। रिटायर्ड प्रिंसिपल विद्यासागर की जानिब से सिलसिले में हाईकोर्ट में दाखिल करदा अर्जी में कहा गया है कि वाइस चांसलर्स का इंतखाब रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए किया गया। चीफ जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस विजय सेन रेड्डी की बेंच ने इस अर्जी की समाअत की। ओलंपिक्स में बैडमिंटन मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली आंध्र प्रदेश की पीवी सिंधु आज हैदराबाद वापस हो गई। सिंधु का शमशाबाद एयरपोर्ट पर तेलंगाना के स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने सिंधु का शानदार इस्तकबाल किया। तेलंगाना के जिले मेडचल में एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंद्रा रेड्डी और मिनिस्टर मल्ला रेड्डी के दौरे के मौके पर स्टूडेंट्स यूनियन से एसएफआई और डीवाईएफआई के वर्कर्स की जानिब से नारेबाजी की गई और फाउंडेशन स्टोन प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस ने स्टूडेंट यूनियंस के मेंबर्स को हिरासत में ले लिया। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम के शहीब नगर में सेवरेज लाइन की सफाई के लिए उतरने वाले दो मजदूरों की मौत वाक़े हो गई। एक की लाश बरामद कर ली गई जबकि दूसरे की लाश तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि अनंतैया और शिवा जो सैदाबाद में रहते हैं, इनसे कॉन्ट्रैक्टर ने ख्वाहिश की कि शायब नगर के मेनहोल्स की सफाई का काम अंजाम दिया जाए। शहर हैदराबाद में चलती कार में आग लगने का वाकया पेश आया। खरतबा जंक्शन के करीब आज सुबह पेश आया इस वाकये में किसी की मौत या फिर किसी के जलने की इत्तला नहीं मिली है। इस जंक्शन के करीब पुलिस की स्क्रेड गाड़ी में अचानक आग लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मुलजमीन की इंकाउंटर में हलाकत के मामले की जांच मुकम्मल करने के लिए मुतालिका कमीशन को मजीद 6 महीने का वक्त दिया है। 28 नवंबर 2019 को वेटरनरी डॉक्टर की इज्तिमाई अस्मतरेजी के बाद जला दिया गया था और 6 दिसंबर 2019 को पुलिस ने इंकाउंटर करते हुए 4 मुलजमीन को हलाक कर दिया था।
ये वही केस है जिसको दिशा के नाम से चर्चा में जाना जा रहा था। जिले आदिलाबाद के पटेलगुड़ा गांव में रहने वालों में भूत का खौफ पाया जाता है और ये खौफ इतना ज्यादा है कि गांव के 22 खानदानों ने अपने मकानात को लॉक डाल दिया और वहां से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। इस गांव में हाल ही में एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई थी। लोगों का कहना है कि भूत ने ही इन लोगों की जान ली है। कमिश्नर बल्दिया और दीगर अहदेदारों को दी गई बिरयानी में कीड़े पाए गए, जिसके बाद इस होटल को सील कर दिया गया और इस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तेलंगाना के जिले निर्मल में ये वाकया पेश आया। कमिश्नर बल्दिया बालकृष्णा अपने दीगर स्टाफ के साथ इस होटल में खाना खाने के लिए गए थे। तेलंगाना के करीमनगर जिले में कोरोना के मामलों में काबू पाने के लिए पुलिस तवज्जो मरकूज कर दी गई है। कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण की निगरानी में खुसूसी मुहिम अंजाम दी गई। इस मुहिम के दौरान मास्क पहने बगैर घरों से बाहर निकलने वालों की काउंसलिंग की जाएगी। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन।